मिक्स कर दिया है। तो ये जो बाकी बचा हुआ मसाला है इसको भी हम इसी में सारा हम डालेंगे। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, हम लोग तो ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी कल हम लेकर आए थे 1 किलो आम, तो आज हम दोनों इस गोटा निकला है, ये कच्चा आम है, इसका अचार हम दोनों बनाएंगे। इधर बैठे थे, इसका अचार बनाएंगे। तो अचार बनाने के लिए देखिए 1 किलो आम लाए हैं, और ये है मसाला के लिए 5 फोरन हम लेकर आए हैं, मिक्स है, और ये है 1/2 किलो तेल। और तो अभी हम दोनों इसको आम काटेंगे। तो आम काटने के लिए देखिए ये जो इसको बाइटी भी बोलते हैं, छिलोई भी बोलते हैं, इधर आना, छिलोई भी बोलते हैं, और ये चाकू आनंद काटेगा चाकू से। तो अभी हम दोनों काटने के लिए बैठे हैं, तो चलिए अभी हम दोनों काटेंगे। अच्छा हम इधर बैठते हैं, देखिए आनंद बोलता है इधर मट्टी लगा ना। तो चलिए अभी हम दोनों काटते हैं, काटेंगे। ये चिल्लू है और ये है चाकू, हमको इसे काटने नहीं आता है। इसको छोटा छोटा टुकड़ा करके पीसेस करके इसको हम दोनों काटेंगे। तो चलिए हम दोनों काटते हैं इसको, ये थोड़ा हार्ड है, ये बड़ा चीज से काटना पड़ेगा इसको। चलिए हम देखते हैं, इसको बाल्टी में डाल के आओ, लो इसका बीजा है, आम के बीजा है, इसको फेंक देते हैं, इसको नहीं खाते। तो देखिए फ्रेंड्स, हम धो लिए हैं साफ पानी से, इसको हम इसमें सूप में डाल देते हैं, सूप में डाल देते हैं इसको, और धूप में हम पसार देंगे, थोड़ा सा सूखने देते हैं इसको हम। तो हेलो फ्रेंड, देखिए अभी हम ये अचार के लिए ये मसाला हम पीसने जा रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, हम मसाला पीसे, इसको हम हल्का
भून दिए हैं, फ्राई कर दिए हैं, इसको भून दिए हैं, तो इसको चलिए हम अभी पीसेंगे। गरम गरम पीसने से जल्दी मिलन हो जाता है, इसीलिए घर में गरम गरम पीस रहे हैं। हम अचार बनाने के लिए अभी मेरे सारा इंग्रेडिएंट्स हम रेडी कर लिए हैं। इसको हम धो करके हम धूप में पसा रहे थे और इसका जो पानी था इसका पानी सूख गया है, तो अभी हम इसको मसाला में मिक्स करेंगे, उसके बाद में हम डिब्बा में डालेंगे। तो देखिए बनाना सिंपल है। देखिए ये है, हम ले लिए हैं गमला में ले लिए हैं आम, और इसमें हम डालेंगे नमक, डाल दिए। फिर उसके बाद में हम इसको इसमें डालेंगे ये हल्दी, तो ये दोनों को हम मिक्स कर देंगे इसको अच्छा से। और इसको हम थोड़ा देर के लिए हम ढाक देंगे कि इस तरह से हम ढाक देंगे। और हम मिर्चा देंगे, हरा मिर्च, देखिए ये हरा मिर्च, इसी को हम देंगे। इसको हम छोटा छोटा टुकड़ा करेंगे, देखिए इस तरह से। सही जो मिर्चाई था इसको भी हम छोटा छोटा टुकड़ा कर लिए हैं, और इसको भी हम इसमें मिक्स करने से थोड़ा देर से हम ढक कर रख दिए हैं, और इसी में इसको भी मिक्स कर रहे हैं। और देखिए जो ये है मसाला हम पीस के रखे थे, इसको भी हम इसी में इस तरह से हम मिक्स करेंगे, देख सकते हैं। और जो ये है तेल, इसको भी इसी तरह से हम मिक्स करेंगे, इसमें हाथ का इस्तेमाल नहीं करेंगे, चम्मच से ही हम इसको मिक्स करेंगे। इसका खाने में बहुत अच्छा लग रहा है, खुशबू साफ रखते हैं। देख सकते हैं हम इसको पूरा मिक्स कर रहे हैं, देखिए कितना अच्छा लग रहा है, बहुत ही टेस्टी जो आपका अचार है, बहुत टेस्टी और स्वादिष्ट बनती है। तो आप लोग भी इसी तरह से ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
बहुत स्वादिष्ट लगता है। ये आम का अचार बना साल में एक ही बार बनता है, आप लोग भी बनाइए और खाइए और आनंद लीजिए इसका। तो देखिए हम पूरा मिक्स कर दिए हैं, इसको हम डालेंगे डिब्बा में। और देखिए पानी की पंख रही है। और देखिए अब हम बाहर में हैं तो देखिए फ्रेंड, हम सारा हम डिब्बा में डाल दिए हैं इसका जो मसाला एक हाथी हम उसको मिक्स कर दिए हैं। तो ये जो बाकी बचा हुआ मसाला है इसको भी हम इसी में सारा हम डाल देंगे। और तेल बन गया है। और इसको हम जब तक तैयार नहीं होगा तब तक हम इसका डिब्बा को नहीं खोलेंगे, इसको रोज हम धूप में निकालेंगे, रोज हम इसको धूप में रखेंगे। जब तक इसका तैयार नहीं होगा तब तक हम इसको नहीं खोलेंगे। और इस अचार बनाते समय आप लोग हाथ का इस्तेमाल कभी नहीं कीजिएगा, क्योंकि हाथ का इस्तेमाल करने से ख़राब हो जाता है। इसीलिए आप लोग भी हाथ का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कीजिएगा। देखिए हम किस तरह से हम बनाए, आसान तरीका से, यही सिंपल तरीका है और इसमें ज़्यादा खर्चा भी नहीं है। तो ये अचार साल में एक बार बनती है, तो आप लोग भी इसी तरह से ज़रूर बनाइए, ज़रूर ट्राई कीजिए। आजकल जो आम का सीज़न है, आजकल आम मिल रहा है सस्ता में ही, तो आप लोग भी इसी तरह से ज़रूर ट्राई कीजिए। और आप लोग को कैसा लगा हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह का वीडियो देखने के लिए सबसे पहले आप लोग। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग।